हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 3 मैट्रिसेस, जिसमें हम लास्ट दो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है, किसे हम मैट्रिसेस किन्हें कहते हैं, और हम पढ़ चुके हैं कि मैट्रिसेस पर ऑपरेशंस के बारे में हम बात कर चुके हैं, कैसे हम मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, कैसे सबट्रैक्ट करते हैं और कैसे हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, और हम टाइप्स ऑफ मेट्रिसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसी नॉलेज को यूज़ करके आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन द मैट्रिक्स ए दिस राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स हमें गिवन है और हमें कह रहे हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है एम बाई एन, जहाँ पर एम रिप्रेजेंट करता है कि उस मैट्रिक्स में रोज कितनी हैं और एन रिप्रेजेंट करता है कि उस मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने हैं। तो हमारी गिवन मैट्रिक्स में हमें दिखाई दे रहा है एक दो तीन तीन रोज हैं एंड C1 C2 C3 C4 चार हमें कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। तो हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 बाई 4। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए। तो अगर हमारी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है एम बाई एन, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा कितने होंगे, वो होंगे m इंटू एन, एम एन होंगे। तो हमारी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 इंटू 4 यानी 12। थर्ड पार्ट में कह रही है ये एलिमेंट्स मैट्रिक्स में से ढूंढ कर बताइए। तो a 1 3 पहले हमें फाइंड करना है, यानी हमें एलिमेंट चाहिए फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में वो होना चाहिए। तो हम ढूंढ लेते हैं इसे। फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में हमें दिखाई दे रहा है 19 लिखा हुआ। ऐसी a 2 1 यानी सेकेंड रो में और फर्स्ट कॉलम में हमें दिखाई दे रहा है 35। a 3 3 यानी थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम में हमें दिखाई दे रहा है 17। थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम में हमें दिखाई दे रहा है -5। 17 तो कहाँ, फोर्थ कॉलम में। तो थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम में हमें दिखाई दे रहा है -5। और a 2 4 यानी सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम में हमें दिखाई दे रहा है 12। a 2 3 का मतलब क्या है, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम में हमें दिखाई दे रहा है 5 बाई 2। ठीक है, तो ये हैं हमारे रिक्वायर्ड एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो उसके ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी कितने रोज और कितने कॉलम्स की मैट्रिक्स होनी वो पॉसिबल है। एंड वॉट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। अगर उसमें 13 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। 24 एलिमेंट्स तो हमारी मैट्रिक्स कैसे हो सकती है, 1 2 3 4 यहाँ से लेकर ऐसे 24 ना, हम क्या करें एक रो में सारे 24 एलिमेंट्स लिखते हैं तो 1 बाई 24 ऐसा ऐसा कुछ ऑर्डर की मैट्रिक्स बन जाएगी। या हम ऐसा भी लिखना शुरू कर सकते हैं जैसे 1 2 3 4, यहाँ से हम ऐसे 24 तक एलिमेंट्स लिख दें तो हमारी मैट्रिक्स 24 बाई 1 की भी मिल सकती है, और कैसे कैसे मिल सकती है। अब हमें पता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो किसके इक्वल होते हैं, एम एन के इक्वल होते हैं, है ना। जहाँ पर एन क्या है, एन है नंबर ऑफ रोज और एन है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर हमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करने हैं तो हमें पता है उन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा 24 के, यानी ये एम और एन हमें कहाँ से मिलेंगे, 24 के फैक्टर्स में से मिलेंगे। तो 24 के जितने भी पॉसिबल हैं फैक्टर्स, उतने ही पॉसिबल ऑर्डर्स की मैट्रिक्स हमारे पास बन सकती है। 24 के फैक्टर्स कर लेते हैं, 1 बाई 24 यानी 1 इंटू 24, यानी हमारी मैट्रिक्स ऐसे हो सकती है एक रो हो और 24 कॉलम्स हो, या 24 इंटू 1 तो एक रो 24 रोज और 1 कॉलम की मैट्रिक्स हो सकती है। और फैक्टर्स करते हैं इसके, तो और ऑर्डर क्या आ सकते हैं, 2 बाई 12 आ सकता है या 12 बाई 2 आ सकता है। और फैक्टर्स करते हैं तो हमारे पास ऑर्डर क्या आएगा, 3 बाई 8 आ सकता है या 8 बाई 3 आ सकता है। और अगर हम इसके फैक्टर्स करें तो 4 बाई 6 आ सकता है या 6 बाई 4 आ सकता है। बस, और तो फैक्टर्स 24 के हो नहीं सकते। तो हमारी मैट्रिक्स कैसी कैसी हो सकती है, 1 बाई 24 ऑर्डर की हो सकती है, 24 बाई 1 की हो सकती है, हो सकता है 2 रोज हो और 12 कॉलम्स हो सकता है, 12 रोज हो और 2 कॉलम्स हो, 3 रोज 8 कॉलम्स या 8 रोज 3 कॉलम्स, 4 रोज 6 कॉलम्स या 6 रोज 4 कॉलम्स। और उसके बाद पूछा है अगर मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स होते हैं, अगर 13 एलिमेंट्स होते हैं यानी एम एन किसके इक्वल है 13 के, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या थे। 13 के फैक्टर्स कर लेते हैं, 1 बाई 13 होता है और 13 बाई 1 होता है, यानी हमारी मैट्रिक्स या तो 1 बाई 13 ऑर्डर की होती है या 13 बाई 1 ऑर्डर की हो सकती थी।
इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स. सेम ऊपर जैसा क्वेश्चन है, 18 के फैक्टर्स कर लेते हैं, 1 बाई 18, 18 बाई 1, और क्या क्या हो सकता है, 2 बाई 9, या मैट्रिक्स का ऑर्डर हो सकता है 9 बाई 2, या हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो सकता है 3 बाई 6, या हो सकता है 6 बाई 3. और बोल रहे हैं अगर हमारी मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट्स होते तो ऑर्डर क्या क्या हो सकते थे. तो यहाँ पर हमें पता है एम एन किसके इक्वल है, 5 के. 5 के फैक्टर्स में से ही हमें पॉसिबल ऑर्डर्स मिलेंगे, तो 1 बाई 5 हो सकती थी हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर, 1 बाई 5 हो सकता था, या 5 बाई 1 हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 2 बाई 2 मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे वेयर हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वेयर अपॉन 2. हमें एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जहाँ पर एलिमेंट्स इस रिलेशन से हमें गिवन है, ठीक है, और 2 बाई 2 मैट्रिक्स बनानी है. तो अगर हम एक 2 बाई 2 मैट्रिक्स यहाँ पर फॉर्म करने की कोशिश करें तो पहला एलिमेंट क्या होगा, ए वन वन, दूसरा होगा ए वन टू, यहाँ पर होगा ए टू वन, और यहाँ पर होगा ए टू टू, है ना. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, और ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट. तो आई और जे की वैल्यूज़ हमें कहाँ से मिल रही है, यहीं से मिल रही है. तो अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं ए वन वन, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ए वन वन को अगर आप ए आई जे से कंपेयर करेंगे तो यहाँ आई भी वन है और जे भी वन है. आई की वैल्यू भी वन है और जे की वैल्यू भी वन है. इस रिलेशन में, गिवन रिलेशन में पुट कर देते हैं. रिलेशन क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वेयर अपॉन 2. तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वेयर यानी 2 स्क्वेयर अपॉन 2, 2 स्क्वेयर अपॉन 2 यानी 4 अपॉन 2. तो ये तो एलिमेंट हमारे पास आ गया 2. ऐसे ए वन टू निकालते हैं, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है आई की जगह 1 पुट करना है, जे की जगह 2 पुट करना है. तो 1 प्लस 2 का स्क्वेयर अपॉन 2 यानी 3 स्क्वेयर अपॉन 2 यानी 9 बाई 2. ऐसे ए टू वन अगर निकालना है तो आई की जगह 2 रख देते हैं, जे की जगह 1 रख देते हैं, का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 3 स्क्वायर अपॉन 2, ये भी आ गया 9 बाई 2. और ए टू टू निकालना है तो आई की जगह भी 2 और जे की जगह भी 2, और इस पूरे का स्क्वायर अपॉन 2, 4 स्क्वायर बाई 2 यानी 16 बाई 2, तो ये आ जाएगा 8. तो जो मैट्रिक्स हमारी बनकर आई 2 बाई 2 मैट्रिक्स, क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, पहला है 2, फिर यहाँ पर है 9 बाई 2, यहाँ पर भी है 9 बाई 2, और यहाँ पर है 8. ये है हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स. सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं हमें ए आई जे इक्वल होना चाहिए आई बाई जे के. मैट्रिक्स हमें वही बनानी है 2 बाई 2 मैट्रिक्स. तो एलिमेंट्स क्या क्या हैं, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू. तो ए वन वन अगर हम फाइंड करते हैं तो आई की जगह भी 1 और जे की जगह भी 1, ये तो 1 आ गया. ए वन टू फाइंड करते हैं तो आई की जगह 1, जे की जगह 1. ए टू वन अगर हमें फाइंड करना है तो आई की जगह 2 और जे की जगह 1, ये आ गया 2. और ए टू टू फाइंड करना है तो दोनों जगह 2 2, तो ये आ गया 1. तो मैट्रिक्स हमारी क्या बनकर आई, 1, 1 बाई 2, 2, 1. ये है हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स. थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर अपॉन 2. तो ए 1 1 फाइंड करते हैं पहले, 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी 3 स्क्वायर अपॉन 2, तो ये तो आ गया 9 बाई 2. ऐसे ए 1 2 फाइंड करते हैं तो 1 प्लस 2 इंटू 2 यानी 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 5 स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हमारा आ गया 25 बाई 2. ए 2 1 तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 4 स्क्वायर अपॉन 2 यानी ये आ गया 16 अपॉन 2, 8. और ए 2 2 ये किसके इक्वल हो गया, 2 प्लस 2 इंटू 2 यानी 4 इस पूरे का स्क्वायर अपॉन 2, तो 6 स्क्वायर अपॉन 2 यानी 36 अपॉन 2, ये आ गया हमारा 18. तो हमारी मैट्रिक्स क्या बनकर आई, पहला एलिमेंट ए 1 2 है 9 बाई 2, ए वन वन है 9 बाई 2, ए वन टू है 25 बाई 2, ए टू वन है 8 और ए टू टू है 18. ये है हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरीके का है. इस बार कह रहे हैं एक 3 बाई 4 मैट्रिक्स हमें फॉर्म करने हैं. तो 3 बाई 4 मैट्रिक्स अगर हमें फाइंड करनी है, हमें पता है उसमें 3 रोज होनी चाहिए और इसमें 4 कॉलम्स होने चाहिए, सी वन, सी टू, सी थ्री, सी फोर. तो एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए वन फोर, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए टू फोर, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ए थ्री फोर. ये एलिमेंट्स हमें फाइंड करने हैं इस रिलेशन को यूज़ करके, जो रिलेशन हमें गिवन है. तो करते हैं,
पार्ट फर्स्ट करते हैं पहले इसका। ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मॉड के अंदर -3i + j। तो ए 1 1 अगर हम फाइंड करना है तो आई और जे की जगह 1 और 1 पुट कर देंगे, 1/2, यहाँ आ जाएगा -3 + 1, यानी ये आ जाएगा मॉड के अंदर -2/2, यानी मॉड तो सब वैल्यूज को पॉजिटिव बना देता है, 2/2, तो ये आ गया 1। ए 1 2 निकालना है तो 1/2 -3 + 2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -1 का तो मॉड कर देगा 1, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ए 1 3 फाइंड करते हैं, 1/2 -3 + 3, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। ऐसे ही ए 1 4 निकालेंगे तो 1/2 -3 + 4, ये आ जाएगा 1/2। ऐसे ही निकालते हैं ए 2 1 निकालेंगे तो 1/2 -3 × 2 यानी -6 + 1, ये आ जाएगा -5, यानी मॉड के अंदर -5 तो हो जाएगा 5 5/2 आ जाएगा। ए 2 2 निकालेंगे तो 1/2 -6 + 2 यानी 4/2, ये आ जाएगा 2। ए 2 3 निकालेंगे, 1/2 -6 + 3 यानी ये हो जाएगा 3/2। और ऐसे ही ए 2 4 निकालते हैं, 1/2 -6 + 4, ये हो जाएगा 2/2 यानी 1। और सिमिलरली हम फाइंड करते हैं ए 3 1 यानी 1/2, और 3 पुट किया i की जगह तो यहाँ पर आ गया -9 + 1, तो ये आ गया 8/2 यानी ये आ गया 4। ए 3 2 निकालेंगे तो 1/2 -9 + 2, ये आ जाएगा हमारा 7/2। ऐसे ही हम निकालेंगे ए 3 3, तो वो आ जाएगा 1/2 -9 + 3, तो 6/2 यानी 3 आ जाएगा। और ए 3 4, ये आ जाएगा 1/2 -9 + 4, तो ये हमारा आ जाएगा 5/2। तो जो हमारी मैट्रिक्स बनकर आई, कैसे बनकर आई, वो क्या क्या एलिमेंट्स आ गए उसमें, 1 1/2, 0 1/2, और सेकेंड रो में 5/2, 2 3/2, 1, और थर्ड रो में आ गया 4 7/2, 3 एंड 5/2, ये बन गई हमारी 3/4 मैट्रिक्स। सेकेंड पार्ट पर अगर हम इसके आ जाएं तो सेकेंड पार्ट में हमें रिलेशन थोड़ा चेंज करके दे दिया, ए आई जे इज इक्वल टू 2i - j। सेम ऐसी मैट्रिक्स हमें बनानी है, तो ए 1 1 अगर हम फाइंड करेंगे, i की जगह 1, j की जगह 1, क्या आ जाएगा 2 - 1 यानी 1। ए 1 2 क्या आ जाएगा 2 - 2 यानी 0। ए 1 3 आ जाएगा 2 - 3 यानी -1, और ए 1 4 आ जाएगा 2 - 4 यानी -2। ए 2 1 निकालते हैं, ए 2 1 यानी i की जगह 2 रख देते हैं, तो 2 × 2 = 4 -1 यानी 3। ए 2 2 आ जाएगा 4 - 2 यानी 2। ए 2 3 आ जाएगा 4 - 3 यानी 1, और ए 2 4 आ जाएगा 4 - 4 यानी 0। ए 3 1 निकालेंगे तो i की जगह 3 और j की जगह 1, तो ये आ जाएगा हमारा 6 - 1 यानी 5। ए 3 2 आ जाएगा 6 - 2 यानी 4। ए 3 3 आ जाएगा 6 - 3 यानी 3, एंड ए 3 4 आ जाएगा 6 - 4 यानी 2। तो जो मैट्रिक्स हमारी बनकर आ रही है, क्या क्या एलिमेंट्स होंगे उसमें, 1 0 - 1 -2, पहले रो में ये दिखाई दे रहे हैं हमें, फिर 3 2 1 0 3 2 1 0, और उसके अगली रो में दिखाई दे रहे हैं 5 4 3 2, ये बन गई हमारी एक 3/4 मैट्रिक्स जो हमें चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो इक्वेशन गिवन है इससे एक्स वाई और जेड की वैल्यूज हमें निकालनी है। इक्वेशन में हमें क्या गिवन है, एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। और हमें पता है दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, यानी 4 y के इक्वल, 3 z के इक्वल, x 1 के इक्वल और 5 5 के इक्वल। तो इसी को कंपेयर करके अगर हम देख रहे हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, y 4 है, z 3 है और x हमारा 1 है। ऐसे सेकेंड पार्ट में देखते हैं, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए, एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो x प्लस वाई हमें 6 दिखाई दे रहा है, और हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक्स वाई 8 के इक्वल दिखाई दे रहा है, एक्स वाई 8 होना चाहिए। और हमें दिखाई दे रहा है 5 प्लस जेड,
ये इक्वल होना चाहिए 5 के, यानी z की वैल्यू तो हमारी यहीं से निकल कर आ गई, z तो हमारा 0 है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम फाइंड कर लेते हैं x और y। तो x प्लस वाई अगर 6 है, इसका मतलब क्या है कि x हमारा है 6 माइनस वाई। इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में, 6 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 8। 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, यानी वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को, क्या आ जाएगा, माइनस 2y माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो y कॉमन ले लिया, y माइनस 2 माइनस 4, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी या तो y माइनस 2 0 है या फिर y माइनस 4 0 है। इसका मतलब y हमारा 2 है या फिर y हमारा 4 है। ठीक है, अगर y हमारा 2 है, इफ y इज इक्वल टू 2, तो x क्या होगा, सब्सटीट्यूट कर देते हैं, x प्लस वाई है 6, x प्लस वाई हमें दे रखा है 6, यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो x हमारा 4 होगा। और अगर y 4 है तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, यानी x हमारा 2 होगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या निकल कर आया कि z तो 0 है ही, अब y अगर 2 है तो x 4 है। या तो ये एलिमेंट्स हैं हमारे मैट्रिक्स में, या z तो 0 है ही और y अगर 4 है तो x 2 है। तो हमारे मैट्रिक्स में या तो ये एलिमेंट्स हैं या फिर ये एलिमेंट्स हैं। ऐसे थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में भी हमें दो मैट्रिसेस इक्वल दे रखे हैं, यानी इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो x प्लस जेड हमें दिखाई दे रहा है 5 के इक्वल, y प्लस जेड हमें दिखाई दे रहा है 7 के इक्वल, और x प्लस वाई प्लस जेड ये इक्वल दिखाई दे रहा है 9 के। तो y प्लस जेड ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन में, तो हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, यानी x की वैल्यू तो हमें मिल गई 2। ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, यानी 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो z की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, और ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, यानी y प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो y हमारा कितना आ गया, y आ गया 4। तो x 2 है और z 3 है और y 4 है, ये आ गई हमारे रिक्वायर्ड वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, इसका मतलब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो ए माइनस बी ये इक्वल होना चाहिए माइनस 1 के, और 2a माइनस बी इक्वल होना चाहिए 0 के। सेम ऐसे ही हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 2a प्लस सी इक्वल होना चाहिए 5 के, और 3c प्लस डी इक्वल होना चाहिए 13 के। तो ये दो इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व कर लें तो हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करते हैं, हम इन इक्वेशंस को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। ये हो गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो क्या आ गया हमारे पास, माइनस a इज इक्वल टू माइनस 1, यानी a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे इनमें से किसी एक इक्वेशन में तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो a को 1 रख दिया, 1 माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1, यानी माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1, यानी माइनस 2। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब ये a की वैल्यू अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें इस इक्वेशन में तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, यानी c इज इक्वल टू 5 माइनस 2, c की वैल्यू आ गई 3। और इस c की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं फोर्थ इक्वेशन में, तो 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो d इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो d की वैल्यू आ गई 4। a 1 है, b 2 है, c 3 है और d 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें हमें कह रहे हैं कि मैट्रिक्स ए जो हमने रिप्रेजेंट कर रखा है ए आई जी, उसका ऑर्डर है m बाई n, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, जब ये m यानी नंबर ऑफ रोज इज लेस देन n यानी नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम होनी चाहिए,
या नंबर ऑफ रोज ज़्यादा होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम से, या नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, या नन ऑफ दीज, इसमें से कुछ भी नहीं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने देखा था स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं जो 1 by 1 टाइप हो, या जिसका ऑर्डर 2 by 2 हो, या 3 by 3 हो। जनरल में अगर हम बोलें तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, m by m, यानी इसमें जितनी रोज होनी चाहिए उतने ही कॉलम्स होने चाहिए। तो जितनी रोज उतना कॉलम्स, यानी ऑप्शन सी, एम और एन इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स के, तभी हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेट्रिसेस इक्वल। दो मेट्रिसेस दे रखी हैं हमें, कह रहे हैं दोनों मेट्रिसेस को इक्वल करना है, तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए। कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करते हैं, 3x + 7 इक्वल होना चाहिए 0 के, यानी x किसके इक्वल होना चाहिए, -7/3 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, इससे तो हमें दिखाई दे रहा है। और y+1 इक्वल होना चाहिए 8 के, इसका मतलब y इक्वल होना चाहिए 8 - 1 यानी 7 के। और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, 5y-2, y-2 इक्वल होना चाहिए 5 के, यानी y इक्वल होना चाहिए 7 के, ठीक है। तो y की वैल्यू तो फिक्स हो गई, y तो होना चाहिए 7। अभी एक इक्वेशन और बची है, 2 - 3x, ये इक्वल होना चाहिए 4 के, इसका मतलब 3x इक्वल होना चाहिए 2 - 4 के, 3x इक्वल होना चाहिए 2 - 4 यानी -2 के, यानी x इक्वल होना चाहिए -2/3 के। अब पहली इक्वेशन को सॉल्व करके आ रहा है x -7/3 होना चाहिए, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करके आ रहा है -2/3 होना चाहिए। अब x की तो कोई एक ही वैल्यू होगी दोनों में से, दोनों वैल्यूज तो होनी पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड। हमें कोई एक्स की ऐसी वैल्यू मिली नहीं जिस पर ये दोनों मेट्रिसेस इक्वल हो जाएं, तो ऐसी कोई वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। 10th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मेट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 विथ ईच एंट्री 1 of 0 इज कितना। हमें एक मेट्रिक्स बनानी है 3 by 3 ऑर्डर की, 3 by 3 ऑर्डर की, यानी इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे। कुछ यहाँ लिखा होगा, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, फिर कुछ यहाँ होगा, 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 और कुछ यहाँ लिखा होगा। 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे, और हमें कह रहे हैं कि हर इस ब्लॉक में जो मैंने ब्लॉक बनाए हैं, हर जो पोजीशन है इसमें या तो हम 0 भर सकते हैं या 1 भर सकते हैं। इसमें हम 0 या 1 रख सकते हैं, इसमें या हम 0 या 1 फिल कर सकते हैं, इसमें भी हम 0 या 1 फिल कर सकते हैं। हर एक ब्लॉक में हम या तो 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। तो ऐसे कितनी पॉसिबल मेट्रिसेस हैं, कितनी मेट्रिसेस हम बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट ब्लॉक है हमारा, जो फर्स्ट प्लेस है यानी a11, इसको फिल करने के हमारे पास कितने तरीके हैं। इसको फिल करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, 2 वेज हैं, है ना। ऐसे ही उसके बाद क्या फिल करेंगे, हम सेकेंड ब्लॉक फिल करेंगे, एंड देन सेकेंड ब्लॉक को फिल करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, उसे फिल करने के भी हमारे पास 2 तरीके हैं, उसमें भी हम 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। एंड देन थर्ड ब्लॉक को फिल करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, उसको फिल करने के भी हमारे पास 2 ही तरीके हैं, 2 ही वेज हैं। तो ऐसे हमारे पास हर ब्लॉक को फिल करने के, 9th ब्लॉक को फिल करने के भी कितने तरीके हैं, 2 ही तरीके हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, इन सारे ब्लॉक्स को हमें फिल करना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए, फर्स्ट ब्लॉक को कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं, इंटू सेकेंड ब्लॉक को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, इंटू थर्ड को, इंटू फोर्थ को, इंटू फिफ्थ को, इंटू सिक्स को, इंटू सेवन्थ को, इंटू एट्थ को, और इंटू नाइन्थ को, यानी 2 to the power 9, यानी 512 वेज में हम इन्हें फिल कर सकते हैं। तो 512 तरीके की मेट्रिसेस हम ऐसे ही बना सकते हैं जो 3 by 3 हो, जिसका ऑर्डर 3 by 3 हो, और जिसमें सारी एंट्रीज या तो 0 हों या फिर 1 हो 0, और 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं लिखा हो। तो हमारे पास आ गया ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसके साथ में ये एक्सरसाइज 3.1 तो हमारी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2, एनसीईआरटी की 3.2 के क्वेश्चंस। और अगर जो हमने ये किया है इसके नोट्स आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे और वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।